गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मुकेश कुमार। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, एट क्लास साइंस, एंड दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा, कि इसके अंदर हम ये करेंगे क्रॉप होती क्या है, उससे रिलेटेड उसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे, प्रोडक्शन क्या रहेगा हमारा, कि क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे करेंगे हम, ठीक है। क्रॉप को प्रोड्यूस करने की जो टोटली कहाँ से लेकर, सोइंग से लेकर, यानी जहाँ से हम उनको उगाना स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट से लेकर और हमारा लास्ट जहाँ तक हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हमारी क्रॉप हमारे पास कंप्लीट आ जाती है वो। और साथ में रहेगा हमारा उसको मैनेज करने का पॉइंट्स, ठीक है, कि मैनेज कैसे करेंगे हम। अब क्रॉप को मैनेज करने के लिए अलग अलग वेज होते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने पर हम करेंगे स्टार्ट क्रॉप से। वट इज क्रॉप? फूड की रिक्वायरमेंट हर एक ऑब्जेक्ट, जितने भी हमारे लिविंग बींग होते हैं उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट ऑल द टाइम रहती है, ठीक है। और फूड के लिए कोई कंपलसरी नहीं होता, जैसे आपने लास्ट क्लासेस के अंदर, सिक्स के अंदर पढ़ा भी होगा कि कुछ एक एनिमल्स हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ठीक है। अब जो लिविंग बींग हर्ब्स के ऊपर, मीन्स प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उनको बोलते हैं हर्बीवर्स। तो हमारा टॉपिक क्रॉप ही आ गया ना, कि खाने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हम कहाँ से पूरी करते हैं, क्रॉप से, और जो खाते हैं वो हमारा हर्बीवर्स, ठीक है। सेकेंड, वो एनिमल्स जो लिविंग बींग मीन्स जिनको फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, मांस के ऊपर, उनको बोलते हैं हम कार्निवोर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओमनिवोर्स, जो दोनों का, ठीक है, ये दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो अगर मैं बात करूँ क्रॉप की, तो सभी को पता चल गया होगा कि क्रॉप की रिक्वायरमेंट क्या होती है, फूड की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, तो व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या रहेगा कि एक जैसे पौधे, यानी सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन ए, एक एरिया डिसाइड करते हैं। अगर थोड़ा एरिया है तो प्लांट्स बोलेंगे उनको, और अगर उसका एरिया में सेम ही काइंड के प्लांट्स को एक लार्ज एरिया पे ले जाता हूँ, मीन्स ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, दैट इज कॉल्ड क्रॉप, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। और अगर मैं नोटेशन की बात करता हूँ, तो लार्ज एरिया आप एक एकड़ ज़मीन को बोल सकते हो, ठीक है। जैसे किसी एकड़ के अंदर हमने फसल लगा रखी है, ठीक है, उसको बोलेंगे क्रॉप। एग्जांपल क्या रहेगा? वीट, कॉटन, ग्राम, मेज, पी एट्सेट्रा। तो ये जो हमारे वीट्स के पौधे होते हैं वो हम हमेशा लार्ज स्केल एरिया के ऊपर ही उनको सो करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉप, ओके। उसके बाद टॉपिक आता है कि क्रॉप हमारी कितनी टाइप की होती है, टाइप ऑफ क्रॉप, क्रॉप कितने टाइप की रहेगी हमारी, टू टाइप्स। फर्स्ट रहेगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स, और टू टाइप्स क्या रहेंगे, फर्स्ट हमारा खरीफ क्रॉप, फर्स्ट क्या रहेगा हमारा खरीफ क्रॉप। वो जो टाइप ऑफ क्रॉप होता है उसको डिफाइन करने का मेन रीज़न क्या है, कि वो हमारा रहेगा डिपेंड, वो किस एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया टू एरिया थोड़ा सा चेंजेस होता है, ठीक है। सेकंड, सीजन के अकॉर्डिंग बता सकते हो आप। थर्ड, मंथ के अकॉर्डिंग बता सकते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारी खरीफ क्रॉप होगी उसको आपको कैसे बताना है, कि उसका सोइंग टाइम कौन सा होता है, मतलब फर्स्ट टाइम जो पौधे हम लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो पौधे हम लगाएंगे ना, वहाँ से लेकर सोइंग से लेकर और लास्ट जब कंप्लीट हमारी जो फसल होती है ना वो प्रिपेयर हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उस तक जो टाइम पीरियड रहेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ क्रॉप। और वही टाइम पीरियड हमारा डिसाइड करता है कि वो रबी क्रॉप है या फिर खरीफ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ खरीफ क्रॉप की, तो इसका जो टाइम पीरियड क्या होता है, देखो यहाँ पे सोइंग और हार्वेस्ट दोनों का टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है। सोइंग की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड होता है लगभग जून,
लगभग क्यों बोला है, क्योंकि जून एक पार्टिकुलर डिसाइड नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है जून, क्योंकि इसके अंदर मैंने लिखा ना यहाँ पे देर आर मैनी टाइप ऑफ क्रॉप, कुछ फसल्स क्या होती है हमारी क्रॉप के आधार पे थोड़े से टाइम पीरियड पहले ग्रो करनी पड़ती है हमें, यानी सोइंग का टाइम पीरियड उसका थोड़ा सा पहले होता है, और कुछ क्रॉप क्या होगी थोड़ा सा बाद में, सभी का एक सेम टाइम पीरियड नहीं मिलेगा यहाँ पे, इसलिए क्या करते हैं हम एट अबाउट जून और जून के बाद में। अब देखो कोई भी जो क्रॉप होते हैं ना उसको लगभग अगर बात करते हैं तो 4 मंथ्स का टाइम पीरियड चाहिए, कितना लगभग 4 मंथ्स का, तो जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, यानी अगर ये जून की बात करते हैं तो लगभग सितंबर में, सितंबर से पहले भी और सितंबर के बाद, यानी कि सितंबर स्टार्ट और सितंबर एंड, वहाँ तक ये फसल हमारी क्या रहेगी, क्रॉप को हम हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये जून से जो सितंबर का जो टाइम पीरियड होता है ना वो कौन सा होता है हमारा, जून के अंदर समर या विंटर, समर सीजन, क्या रहेगा ये समर सीजन, और समर के साथ में इसको रेनी सीजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको रेनी सीजन, यानी बारिश का टाइम पीरियड होता है, और लोग जो वर्कर होते हैं जो फील्ड के अंदर फार्मर होते हैं वो कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे इरिगेशन की प्रॉब्लम होती है, मीन्स वहाँ पे वाटर कम होता है, उनके पास इतना पानी नहीं होता कि वो अपनी जो फसल की जो सोइंग है वो एट ए टाइम कर सकते, वो लोग किस पे डिपेंड करते हैं रेनी सीजन के ऊपर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। अब बात करते हैं उनके एग्जाम्पल की कि कौन कौन सी फसल हमारी खरीफ के अंदर आती है, तो उसके अंदर आप एग्जाम्पल ऐसे तो कॉटन, जो कपास या नरमा बोलते हैं, ठीक है, उसके अलावा पेडी धान, ठीक है, उसके अलावा सोयाबीन का भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, सोयाबीन भी इसी में लगते हैं, मूंगफली, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट भी इसी टाइम का होता है, ठीक है, एटसेट्रा, ये हमारी खरीफ क्रॉप, यानी जो सोइंग कहाँ पे जून जुलाई के लगभग, थोड़ा सा जून से पहले भी और लास्ट ऐसे सितंबर में हो जाएगी, ठीक है। अब अगर सेकंड जो हमारा बात रहेगा वो होता है हमारा सेकंड खरीफ, ये रबी, खरीफ तो एक्सप्लेन हो गया ना, रबी क्रॉप सेम वही जैसे खरीफ को हमने एक्सप्लेन किया है, एज इट इज हमें क्या करना है रबी क्रॉप को, तो रबी क्रॉप की सोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम को हमें बताना होता है। अब देखो सितंबर के अंदर हम हार्वेस्ट करते हैं खरीफ क्रॉप को, सितंबर के अंदर हमने क्या किया हार्वेस्ट किया खरीफ क्रॉप को, तो जो हमारी रबी क्रॉप होगी तो उसके जस्ट बाद होगी, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि सितंबर में ही हमने हार्वेस्ट कर लिया, सितंबर में ही हमने नई जो सोइंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी था ना वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल सितंबर में हमने हार्वेस्ट किया सितंबर में ही न्यू ग्रोथ करवाना, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं इसके नेक्स्ट बाद कौन सा मंथ आएगा सितंबर के बाद में, अक्टूबर, यानी जो अक्टूबर में स्टार्ट रहेगी हमारी सोइंग प्रोसेस और कब तक चलेगी जून से पहले। अब जून से पहले फॉर एग्जांपल जो अभी सीजन चल रहा है हमारा अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो हम अब हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है, कौन कौन सी फसल का हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है जो अब हार्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी है रबी क्रॉप, यानी कौन सा मंथ मार्च अप्रैल, क्या रहेगा यहाँ पे मार्च टू अप्रैल, ठीक है, इस टाइप से। तो दोनों के अंदर क्या रहेगा हमारा, दोनों का सीजन बता देंगे और टाइम पीरियड हो गया। अब सीजन बताओ कि समर के अंदर अगर हमने खरीफ क्रॉप को प्रोडक्शन लिया है, मतलब स्टार्ट किया है, तो समर के बाद में ये इस टाइम पीरियड कौन सा होता है हमारा विंटर, ठीक है, इस टाइम के अंदर। उसके बाद बात आती है एग्जांपल की कि कौन कौन सी क्रॉप हमारी रबी के अंदर आएगी, तो अब जिन क्रॉप को हम हार्वेस्ट कर रहे हैं उन सारे एग्जाम्पल किस में रहेंगे हमारे रबी के अंदर, जैसे एग्जाम्पल वीट, ग्राम यानी चना, मस्टर्ड एटसेट्रा, ठीक है। अब इसी जो मैंने आपको जस्ट पहले बताया था वो सेम आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, कैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इनकी हार्वेस्टिंग का टाइम, तो मार्च और अप्रैल दोनों लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि मस्टर्ड की जो फसल होती है, आप अपने पेरेंट्स से जो मतलब फार्मर का काम करते हैं वो अपने पेरेंट्स से ये चीज़ पूछ सकते हो,
ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा हमारा कि मार्च के अंदर क्या रहेगा, मस्टर्ड की फसल को हमने, मस्टर्ड की फसल की हार्वेस्टिंग कर दी, उसके जस्ट बाद क्या किया, ग्राम यानी कि चने की फसल की हार्वेस्टिंग की है, और अब जो टाइम पीरियड चल रहा है वो हमारा वीट का, यानी मार्च के एंड और अप्रैल के स्टार्टिंग तक हम ये चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये हमारा रहेगा क्रॉप क्या रहेगी, उसकी डेफिनेशन हो गई, और टाइप ऑफ क्रॉप दोनों के दोनों, ओके। नेक्स्ट जॉब रहेगा हमारा कि अगर हमें न्यू क्रॉप को ग्रो करना है, सोइंग प्रोसेस अगर न्यू क्रॉप की करनी है तो हम क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे, इसको बोलते हैं हम बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। टॉपिक रहेगा हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस, क्योंकि प्रैक्टिसेस किस लिए यूज किया, क्योंकि देर आर मेनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस वी हैव टू कंप्लीट, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, पहले मैं इन प्रैक्टिसेस को लिख देते हैं, उसके बाद इनका एक्सप्लेन करेंगे, ओके। सबसे पहले जो देखो लास्ट जो हमने क्रॉप कंप्लीट की है, हार्वेस्ट का काम किया है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू नेक्स्ट क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड। ये कोई जरूरी नहीं होता कि जो हमने क्रॉप को हार्वेस्ट किया उसके जस्ट बाद ही हम क्या करेंगे न्यू क्रॉप को, विद इन टाइम पीरियड, ऐसा नॉट पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि जो हमारे पास टाइम पीरियड बचेगा ना 15 डेज 20 डेज या 1 मंथ का भी मिल जाता है कभी कभार, क्योंकि कुछ जो हमारी क्रॉप्स होती है वो कम टाइम पीरियड की होती है, ठीक है। जैसे ग्राम मस्टर्ड जो वीट के कंपेरिजन में लगभग 1 मंथ का इनका डिफरेंस रहता है, 15 डेज का तो कंपलसरी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इस टाइम के अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। एक बार मैं पॉइंट्स नोट डाउन कर रहा हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल को हमने तैयार कर दिया, सॉइल की बात करेंगे, सॉइंग प्रोसेस। सॉइंग के बाद क्या होता है, सोइंग यानी कि बिजाई का काम भी हमने कर दिया, उसके बाद डालेंगे उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट वाटरिंग यानी कि इरिगेशन, आप इरिगेशन करोगे। इसके अलावा देर आर सम प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम रहती है कि हमारी फसल के अंदर, सिंपल सी बात है कि हमारी फसल के अंदर क्या रहते हैं, वीड्स भी उग जाते हैं जिनको अदर एक्स्ट्रा प्लांट बोलते हैं, कुछ इंसेक्ट भी आ जाते हैं, ठीक है, अदर फैक्टर भी काम करते हैं, तो उनको भी हटाना पड़ता है, ठीक है। रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा प्लांट यानी कि रिमूविंग ऑफ वीड्स, ये भी हमने कर दिया, वीड्स को भी कर दिया, ठीक है, इंसेक्ट से भी प्रोटेक्शन हो जाएगी। यानी उसके बाद आता है सिक्स पॉइंट हमारा हार्वेस्टिंग का, फसल की कटाई करेंगे। एंड नेक्स्ट होता है हमारा स्टोरेज, ओके। तो दीज आर बेसिक प्रैक्टिस, और ये तो हमें करनी पड़ती है, इनको बेसिक प्रैक्टिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि दीज प्रैक्टिस आर कंपलसरी टू कंप्लीट ए क्रॉप। इफ यू आर वांट टू टेक बेटर प्रोडक्शन देन यू हैव टू कंप्लीट दीज बेसिक प्रैक्टिस विद प्रॉपरली, ओके। देन अगर हम स्टार्ट करें, फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल को तैयार करना। दो पॉइंट बनेंगे, सॉइल को तैयार क्यों कर रहे हैं, व्हाई, ओके। कि सॉइल तो हमारी ठीक हार्वेस्ट के बाद में सॉइल थी, है, और हम उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, बट पॉइंट ये आता है कि हम उसको तैयार क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। एंड हाउ टू प्रिपेयर, देर आर टू पॉइंट, और इन्हीं टू पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा कि हम सॉइल को तैयार क्यों कर रहे हैं, वाई वी हैव टू प्रिपेयर दी सॉइल, ठीक है, सुनो। अब होता क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो रूट्स रहती है, जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, इनको कलेक्ट करने का काम रहता है, ओके।
तो जो हमारी सोइल के जिस एरिया तक ये रूट पेनिट्रेट करती है, सोइल का वो एरिया जहाँ तक ये रूट पेनिट्रेट करती है, पेनिट्रेट मतलब फैलती है, उस एरिया के अंदर जो विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये यूटिलाइज कर लेते हैं। कोई भी पौधे हो सकते हैं, मैं यहाँ पे क्रॉप की बात कर रहा हूँ, आप क्रॉप का एग्जांपल भी ले सकते हो कि वो क्या करते हैं, उन एरिया के जो माइक्रो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो माइक्रो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका यूटिलाइज प्रॉपरली कर लेते हैं। अब होगा क्या कि जो अपर की जो सॉइल है उसके अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की क्या आ जाती है, हमारी कमी, ठीक है। अब कमी आने का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स, अब इसके अगर थोड़ा सा नीचे की अगर लेयर की बात करता हूँ, यहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, यहाँ पे लेस, और इस एरिया के अंदर जहाँ पे रूट्स पेनिट्रेट नहीं की थी उस एरिया के अंदर क्या होते हैं, मोर। ओके, अब होगा क्या, सोइल को प्रिपेयर करने का मतलब एक तो हमारा ये रहेगा कि जब हम सोइल के अंदर प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम हम एक ये फैक्ट कर सकते हैं यूटिलाइज, क्या करेंगे कि जो अपर लेयर जहाँ तक हमारी जो लास्ट क्रॉप थी, ठीक है, उसकी जो एक एरिया डिसाइड है ना, उसके नीचे की जो क्रॉप है उसको तो हम ऊपर ले आएँ, और जो ऊपर अपर लेयर की जो क्रॉप को, जो क्रॉप ने यूटिलाइज किया न्यूट्रिएंट्स वगैरह का, उनको क्या कर दें हम नीचे। फ़ायदा क्या होगा, व्हाट इज बेनिफिट थ्रू दिस। अब होगा क्या कि जैसे हमारी लोअर लेयर की जो सॉइल थी उसके अंदर विटामिंस न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल जो थे ना यूटिलाइजेबल, वो सारे के सारे प्रॉपर फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इस सॉइल का कोई यूटिलाइज नहीं हुआ लास्ट कितने मंथ तक, जो लास्ट पॉइंट करवाया था ना खरीफ एंड रबी में, कितने मंथ का टाइम पीरियड होता है, लगभग 4 to 5 months का, ठीक है। इतने टाइम पीरियड का क्या हो गया, इसको गैप मिल गया, और इस गैप के अंदर इसने क्या किया, अपने अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको प्रॉपरली गेन कर लिया इतने टाइम, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैं रोटेशन, अगर हम सॉइल को रोटेट कर देते हैं, यानी कि लोअर लेयर की सॉइल को अपर लेयर पे और अपर लेयर की सॉइल को नीचे। हाँ जी स्टूडेंट, टॉपिक हमारा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे की जाती है, तो इसके अंदर मैंने लिखा कि प्रिपरेशन को क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जो करने का जो रीज़न रहेगा वो ये था कि अपर लेयर को लोअर लेयर पे लेके जाना ताकि न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाए, सॉइल को लूज करेंगे ताकि फ़ायदा मिले, क्योंकि जो न्यू क्रॉप को हम जो सोइंग कर रहे हैं उसके जो रूट्स होंगे ना उनको ज़्यादा बेटर वो क्या करें, पेनिट्रेट करें, ठीक है, ये फ़ायदा होगा। और करते कैसे, इसके पीछे हमारे पास दो लिखा है मैंने यहाँ पे, ट्रेडिशनल मेथड रहता है और एक होता है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर तो सिंपल सी बात है कि ओल्ड टाइम के अंदर जो हम मेथड यूज़ करते थे, ओल्ड टाइम के अंदर जो टूल्स यूज़ करते थे, इम्प्लीमेंट यूज़ करते थे, उनको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा रहता है प्लाव या टिलर, या तो हल, टिलर भी सेम ऐसा ही होता है, प्लॉइंग या टिलर। काम कैसे करता है कि प्लो के ऊपर यहाँ पे एक हैंडल होता है, ठीक है, और एक आगे, या तो ये लोहे का भी हो सकता है या फिर वुड यानी कि लकड़ी का बना हुआ एक लोब होता है लेंथ, ठीक है। उसके आगे एनिमल्स के थ्रू, जैसे एनिमल्स में बात करें तो कैमल का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उनके थ्रू बैल का भी यूटिलाइज करते हैं, उनके थ्रू क्या करते हैं, उनको खींचने का काम किया जाता है। और जब खींचते हैं तो मिट्टी के अंदर ये जो यहाँ पे प्लो दे रखा ना हल्का आगे वाला पोर्शन, ये ज़मीन को फाड़ने का काम करता है, ब्रेकडाउन करने का काम करता है, ठीक है। ब्रेकडाउन के साथ साथ में सॉइल भी यहाँ पे क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, सॉइल क्या हो जाएगी, लूज। फायदे बताइए क्या, एक तो ये हेल्प करेगा हमारा पेनिट्रेशन के अंदर, पेनिट्रेशन के अंदर हेल्प करता है। सेकेंड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनको जल्दी ग्रो करने में, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हार्ड के कंपैरिजन में अगर सॉइल लूज मिलेगी तो वो भी जल्दी ग्रो करेंगे, ठीक है, और अपने आप की जो डेली पर्पज की जो चीज़ें रहती हैं वो उनको प्रॉपरली मिल जाएगी, जैसे ऑक्सीजन ईजिली मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, मॉडर्न जो टेक्निक है वो हमारी है कल्टीवेटर। मॉडर्न टेक्निक क्या हमारी, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का काम क्या होता है, कल्टीवेशन। और कल्टीवेशन अभी जस्ट आपको बताया ना कि मिट्टी को अप डाउन करने की जो प्रोसेस होती है ना उसको बोलते हैं कल्टीवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके थ्रू काम में आता है हमारा,
ट्रैक्टर, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक है, ट्रैक्टर के थ्रू इसका यूटिलाइज करते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड। हाँ, इसके अलावा और भी कुछ है, बट मेन जो प्रोडक्ट जो हमारा रहेगा उसके अंदर यही होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये बन सकता है कि मॉडर्न टेक्निक है ना जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, वो और ट्रेडिशनल में दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, ये भी आप अपने थ्रू कर सकते हैं। सुनो, फर्स्ट बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे जो मेन बेनिफिट रहेगा वो हमारा है टाइम का। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम है ना उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक एक ही पार्टिकल होता है प्लॉग के लिए, जो बार बार रोटेट करेगा जमीन के अंदर। ठीक है, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। सेकंड, ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है, जो हमारा कल्टीवेटर होगा उसके अंदर अगर हम टिथ की बात करते हैं, लेग की बात करते हैं, तो वो काफ़ी सारी होती है, तो वो टाइम की बचत भी करेगा, दूसरा कॉस्ट भी लो हो जाएगी। ठीक है, टाइम भी, कॉस्ट एंड लेबर का टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा हमारा, काफ़ी लो हो जाता है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो है हमारा यहाँ पे सोइंग, और सोइंग को क्या बोलते हैं अगर हिंदी में बात करें तो बिजाई, यानी कि बिजाई करना। सोइंग का मतलब क्या रहेगा, बिजाई करना। अब सो से पहले हमें सीड का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है, सीड सिलेक्शन की। अब सीड सिलेक्शन के अंदर वैसे भी दो तीन पॉइंट फिर बन जाएंगे हमारे, कि एक तो ये होता है कि सीड कौन सा यूज करें हम, होते हैं ना आजकल जो मार्केट के अंदर मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी सीन, इस टाइप की मिट्टी के लिए आप ये वाले हमारा प्रोडक्ट यूज़ करें, अगर ज़्यादा पानी वाली जगह पे है, ज़्यादा इरीगेशन के इरीगेशन नॉट प्रॉब्लम हो वहाँ पे ये वाला यूज़ करें। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक प्रोडक्ट्स, वो एक तो होता हमारा वो सिलेक्शन। दूसरा होता है कि आपके पास, क्योंकि आजकल तो क्या होता है कि मॉडर्न टेक्निक है, आपको पैकेट में सीड्स मिलते हैं नो प्रॉब्लम, सारे एक्यूरेसी को करके कंप्लीट फिर भेजे जाते हैं। बट ओल्ड अगर ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो उस टाइम सीड का सिलेक्शन कैसे करते थे, क्योंकि घर के अंदर जो हमारा लास्ट का प्रोडक्शन था ना उसी का यूटिलाइज हम नेक्स्ट ग्रोइंग के लिए कर लेते हैं, सोइंग के लिए। ठीक है, तो सीड सिलेक्शन के अंदर हमारी एक ओल्ड जो ट्रेडिशनल टाइम से चलती जा रही टेक्निक क्या होती है, वो कि किसी बकेट के अंदर एक बकेट लो, ये बकेट होगी ना, इसके अंदर वाटर डाल देंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें सीड्स को छोड़ दो, जिन सीड्स को हमें सो करना है उन सीड्स को डाल के छोड़ देते हैं। अब जो सीड्स हमारे सिंक कर जाते हैं, मींस डूब जाते हैं, द सीड्स दैट सिंक इन द वाटर दैट आर कॉल्ड हेल्दी सीड्स। क्या बोलते हैं हमको, हेल्दी सीड्स। एंड द सीड्स दैट फ्लोट ऑन द वाटर, फ्लोट का मतलब यहाँ पे तैरने वाले, जो सीड्स हमारे वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, जो तैर रहे हैं, वो क्या होंगे हमारे, अनहेल्दी होंगे। ठीक है, इस टाइप से हम बीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं, कि सीधा सिंपल प्रोसेस होती है, एक बकेट वाटर लेंगे, उसके अंदर वाटर डाल देंगे, और उसमें हमारे जो सीड्स जो हम सोइंग के लिए यूटिलाइज करने वाले थे उन सीड्स को डाल दो, जो सिंक कर जाते हैं वो हेल्दी है यानी उनका हमें यूज़ करना है, और जो फ्लोट कर रहे हैं वो हमारे अनहेल्दी है, उनका अदर पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर लेंगे, यानी उनको फेंक देंगे, उनका अदर पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि वो है ठीक बट सोइंग प्रोसेस में कामयाब नहीं है। नेक्स्ट, और सीड का सिलेक्शन कैसे करते हैं, सीड का सिलेक्शन करेंगे हम अपनी सोइल को देखकर, मिट्टी की जांच करवा के चेक कर सकते हो कि आपकी सोइल है वो कौन सी क्रॉप के लिए बेटर है, तो उसी क्रॉप के सीड्स डालेंगे हम। ठीक है, एक तो ये रहेगा हमारा। ठीक है, सेकंड, आपकी सोइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितने हैं, या फिर आपके पास वाटरिंग कितनी है, कि सिंपल सी बात है, वाटरिंग मीन्स इरीगेशन, कि हम ज़्यादा पानी वाली जगह है तो वहाँ पे अलग क्रॉप यूज़ करेंगे, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ के लिए अलग टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ये भी हो सकता है हमारा, तो ये रहेगा हमारा सिलेक्शन। उसके बाद हम अब करेंगे सोइंग होती कैसे है, तो सोइंग के लिए भी सेम वही जैसे प्रिपरेशन के लिए अंदर हमने क्या बात की थी, मॉडर्न और
दूसरा क्या बताया था, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सोइंग के अंदर भी दोनों मेथड यूटिलाइज करेंगे, मॉडर्न एंड, ठीक है, सोइंग के अंदर ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड, ठीक है। ये टॉपिक है, इनको एक्सप्लेनेशन चल रही हमारी। सोइंग के अंदर ट्रेडिशनल मेथड कौन सा रहेगा हमारा, और मॉडर्न मेथड, ठीक है, दोनों इजी है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या होता है कि हम एक, जैसे प्लो, लास्ट टॉपिक के अंदर क्या था ना, प्लो, प्लो तो यूटिलाइज करेंगे ही, प्लो तो क्या करेगा, अपना काम आगे करता ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से। और यहां पे हम क्या कर देते हैं, एक फनल लगा देते हैं, फनल यानी कीप, ये क्या है, फनल। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या होता था, वही सेम प्रोसेस, इसके आगे एनिमल्स लगा देते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, इनको खींचने का काम करते हैं, और उस प्लो के साथ में एक फनल डाल देते हैं, ठीक है। फनल का जो स्टार्ट पॉइंट अपर लेयर पे होगा और एंड पॉइंट कहाँ पे होता है, उस प्लो के ठीक पीछे, ताकि वो जो हमारी सीड्स हैं वो इसके पीछे गिरे, और इसके पीछे क्या करते हैं, थोड़ा सा एक सिस्टम लगाते हैं जिससे सोइल ऊपर गिरती रहे। सुनो आप कैसे काम करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड के अंदर जो सोइंग प्रोसेस होती थी वो होती बाई हैंड, कैसे होती थी, बाई हैंड्स, हाथों से की जाती थी। हाथ से कैसे, देखो ये आगे आगे चल रहा है, आगे बेल है, उसके बाद हलो हो गया, ये प्लो हो गया हमारा, और ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो मान लो यहाँ पे मेरे पास फनल है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम सीड्स को हाथों में लिया और उस फनल के अंदर डालते जाते हैं इस टाइप से, ओके। उस फनल के अंदर क्या करेंगे, हम हाथों से बीज को छोड़ा जाता है, और बीज कहाँ पे, सीड्स हमारे गिरते जाएंगे प्लो के ठीक पीछे वाली साइड में, और पीछे से मिट्टी गिरती जाती है। ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, क्या था, ट्रेडिशनल मेथड। और अगर मैं आज की बात करता हूँ मॉडर्न मेथड के अंदर, तो आज हमारे पास सीड ड्रिल मशीन आ गई है। क्या होती है, सीड ड्रिल, यानी जो ड्रिलिंग भी करती है और सीड्स भी डालती है, यानी मिट्टी के अंदर ड्रिल भी खुद करेगी, इसकी जरूरत नहीं होगी ड्रिल करने की भी, और फनल यानी कि बाई हैंड्स सीड्स को डालने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ड्रिल का काम भी खुद करेगी, सीड्स का काम भी खुद करेगी। इसको बोलते हैं सीड ड्रिल मशीन। और मॉडर्न टेक्निक के अंदर आपको पहले भी बताया था कि मॉडर्न टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और उसमें ट्रैक्टर के वही है सेम हमारा प्रोसेस, आगे ट्रैक्टर होगा और पीछे सीड ड्रिल मशीन हो जाएगी हमारी, ठीक है। फायदा क्या रहेगा दोनों की, अगर मैं कंपैरिजन की बात करता हूँ, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर भी बात की थी, और इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे दोनों के, ट्रेडिशनल और मॉडर्न के अंदर, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स वो क्या रहेंगे, सुनो। फर्स्ट पॉइंट, टाइम की बचत होगी, ठीक है ना। इसके अंदर वही सेम एक ही राउंड बार बार लगाना पड़ रहा है, और इसके अंदर एक ही टाइम के अंदर 5 to 6 क्या होती है, फनल्स होती हैं जो ऑटोमेटिक सीड को डालने का काम करती है, यानी कि एक राउंड के अंदर ये अपना काम ज़्यादा करती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। सेकंड पॉइंट, सेकंड आता हमारा एक्यूरेसी, सेकंड क्या आता हमारा एक्यूरेसी, यानी इन दोनों की बात करें तो जो ट्रैक्टर के पीछे जो मॉडर्न मेथड है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, क्यों, क्योंकि जो हम ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या करते हैं, बाई हैंड डाल रहे हैं, बाई हैंड के अकॉर्डिंग क्या, कभी तो बीज हमारे ज़्यादा गिर जाएंगे किसी जगह पे, किसी जगह पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और एक सबसे ज़्यादा जो गैप का बात होता है ना, वो होता है कि जब हमारे हाथों में बीज खत्म हो गए, तो जो ले निकाल कर वापस डालने वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें हर जगह पे गैप मिलेगा, ठीक है। और ट्रैक्टर वाले के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, सीड ड्रिल के अंदर ऑटोमेटिक। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम, एक्यूरेसी, और जो थर्ड उसमें भी था हमारा लेबर, ठीक है, लेबर, लेबर की बचत रहेगी हमारे, क्यों, क्योंकि एक अगर मैं कैमल फार्मर की बात करता हूँ, तो वो एक दिन में मान लो
एक एकड़ के अंदर सोइंग का काम करता है, तो ट्रैक्टर वाले के अंदर सीड ड्रिल के अंदर वो मैनी फील्ड्स कैन बी कंप्लीट, उसी टाइम पीरियड के अंदर वो काफ़ी एकड़ ज़मीन को ना कंप्लीट कर सकता है। इसलिए क्या करते हैं, इसमें हम लेबर की भी बचत है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा है और टाइम की भी बचत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद हमारा क्या रहेगा कि सोइंग का काम हमने कर दिया, बिजाई भी कर दी हमने। ठीक है, बिजाई के जस्ट बाद ये जो आपको मेथड दे रखे हैं ना, ये आप आगे पीछे कर सकते हो। ये मेथड हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज पर क्रॉप, क्रॉप के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आगे पीछे हो सकती है। क्योंकि किसी क्रॉप को मैन्योर की रिक्वायरमेंट जल्दी होती है, किसी क्रॉप को मैन्योर की रिक्वायरमेंट काफ़ी टाइम के बाद होती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा हमारा किसके ऊपर, क्रॉप के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्स्ट पॉइंट, मैन्योर और फर्टिलाइजर को हम डिफाइन करेंगे। मैन्योर क्या होते हैं हमारे, कि वो सब्सटेंस जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। मैन्योर किससे बनती है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी कि प्लांट या लिविंग बींग का जो वेस्ट होता है वो लिख सकते हैं हम। ठीक है, लिविंग बींग वेस्ट मटेरियल, लिविंग बींग का जो वेस्ट होता है ना, उससे हम मैन्योर तैयार कर सकते हैं। सेकंड, हिंदी में मैन्योर को क्या बोलते हैं, खाद। ठीक है, और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, उर्वरक। फर्टिलाइजर क्या होंगे, देखो ये कहाँ पे बना था, बायोडिग्रेडेबल, तो ये किन से बनता है हमारा, केमिकल सब्सटेंसेस से। किन से, केमिकल सब्सटेंसेस से बनेगा और फैक्ट्रीज के अंदर तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, ये फैक्ट्रीज के अंदर तैयार किया जाता है और केमिकल्स का यूटिलाइज करके। ठीक है, मैन्योर को बनाने का प्रोसेस क्या रहता है, मैन्योर के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल अगर हमारे लेवल की बात करते हैं तो एक आप कहीं पर भी पिट यानी कि एक गड्ढा खोद सकते हो। ओके, एक पिट यानी गड्ढा खोदेंगे और उसके अंदर जितने भी हमारे बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस वो डालकर छोड़ देते हैं और ऊपर एक सॉइल की लेयर चढ़ा देंगे इसकी। यानी पहले क्या करेंगे, गड्ढा करेंगे, उसके अंदर मटेरियल डाल देंगे और उसके बाद में जो अपर लेयर है उस पर वापस सॉइल डाल के छोड़ देंगे। कितने टाइम के लिए, 4 to 5 months। वैसे अलग अलग टाइम पीरियड होता है, नॉट कंपलसरी, 4 to 5 months काफ़ी टाइम होता है डिग्रेडेबल चीज़ों के लिए। डाल के छोड़ देंगे, जब उसके बाद देखेंगे ना तो ये हमारी सारे सारे क्या हो जाएगी, कन्वर्जन हो जाएगा इसका, या तो ह्यूमस की फॉर्म में या फिर मैन्योर, ह्यूमस मैन्योर नो प्रॉब्लम। ठीक है, ह्यूमस या मैन्योर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड, फर्टिलाइजर कैसे, ये मैंने नोट डाउन कर रखा ना, केमिकल्स का यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, और फैक्ट्रीज के अंदर तैयार किए जाते हैं। एग्जाम्पल, मैन्योर का एग्जाम्पल, जो हमारे घर का जो वेस्ट मटेरियल है वो उसी का एग्जाम्पल। ठीक है, वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, और फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल जैसे एनपीके, एन का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, नाइट्रोजन। एन का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, नाइट्रोजन। पी का मतलब फॉस्फोरस और के का मतलब पोटेशियम। के का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइजर कैसे तैयार करेंगे, किस टाइप से रहेगा, वो हमने आपको बताया। नेक्स्ट है, दोनों में फायदा और नुकसान क्या रहेगा। यहाँ पे मैन्योर का कोई नुकसान नहीं रहेगा हमारे, आप कितनी भी क्वांटिटी के अंदर इसको डाल सकते हो। वैसे तो देखो अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा तो कभी ना कभी नुकसान ज़रूर होता है कोई भी चीज़ हो। ठीक है, मैन्योर को आप हाई क्वांटिटी के अंदर डाल सकते हैं बट फर्टिलाइजर को यूटिलाइज नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, ठीक है, हाई क्वांटिटी के अंदर यूज कर सकते हो, नॉट हाई क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, मैन्योर के अंदर हमारी कॉस्ट क्या रहेगी, लेस। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वेस्ट मटेरियल है, जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनके घर पे एनिमल्स भी मिलेगा, प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल भी, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैन्योर के अंदर। बट फर्टिलाइजर के लिए उनको कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, हाई कॉस्ट। ठीक है, मैन्योर का क्या फ़ायदा होगा,
इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, नॉट इफेक्ट, ओके। और फर्टिलाइजर क्या करती है, इफेक्ट डालती है यहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगी, इफेक्ट डालेगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो हम खाने में यूज करते हैं, जो एडिबल प्लांट्स होते हैं, वैसे तो एडिबल के अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, उनमें मैन्योर कोई इफेक्ट नहीं डालती, नॉट इफेक्ट, वो सेम प्रोडक्ट हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी नहीं डालेगी, ह्यूमन बींग का जो प्रोडक्शन होगा उस पर भी नहीं, बट फर्टिलाइजर कैन बी इफेक्ट, ठीक है। ये तो था हमारा मैन्योर का फायदा ओवर दी फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर के भी कुछ एक फायदे हमारे, क्या क्या फायदे होंगे, फर्टिलाइजर को हम स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए आप फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैन्योर के अंदर सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे के सारे क्या होते हैं, प्रॉपर वे में अंदर होते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो भी आपको कंप्लीट मैन्योर ही डालनी पड़ेगी, बट अगर आपकी सॉइल की हम जांच करवाते हैं, ठीक है, सॉइल टेस्ट करवाते हैं, और उस मिट्टी के अंदर आता है कि आपकी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट, ओनली नाइट्रोजन, तो हम ये नहीं करेंगे कि मैन्योर ही डाल देंगे उसमें, हम क्या डालेंगे उसके अंदर, नाइट्रोजन के पैकेट ले आएंगे, यानी एनपीके, एनपीके खाद के अंदर, उर्वरक के अंदर क्या था, नाइट्रोजन, तो हम एनपीके का यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इस टाइप से हम उनका यूटिलाइज प्रॉपरली कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैन्योर को बनाने के लिए टाइम पीरियड ज़्यादा, टाइम पीरियड क्या होता है, ज़्यादा होता है, बट ये आपको एज फैक्ट्री प्रोडक्शन है तो आपको ऑल द टाइम कैन बी अवेलेबल मिल सकते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा जगह की रिक्वायरमेंट, यानी कि स्पेसियस होता ही है, आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी मैन्योर के अंदर, बट फर्टिलाइजर हमेशा पैकेट की फॉर्म में आते हैं, आपको एक स्मॉल पैकेट के अंदर ही आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। ये रहेंगे हमारे मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो बाकी का जो मटेरियल रहेगा हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, थैंक यू।